बड़ी खबरों के साथ, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद रह चुकी डिंपल यादव को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी। 5 दिसंबर को इस सीट के लिए मतदान के बाद लखनऊ से संवाददाता अलहमरा खान से, अलहमरा जाहिर तौर पर मैनपुरी पारंपरिक सीट है समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा। अब इस सीट से पार्टी बहू यानी कि मुलायम परिवार की बहू और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक डिंपल यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी पार्टी का यदि कोई उम्मीदवार इनके सामने मैदान में आता है, चुनावी में आता है, तो वो कौन होगा? ये पार्टी जो ये जो मैनपुरी सीट है लोकसभा, ये यादवगढ़ की, यानी डिंपल यादव को अखिलेश यादव द्वारा उपचुनाव में उतारना एक सरप्राइज है, क्योंकि 5 साल पहले अखिलेश यादव ने खुद घोषणा की थी कि आप डिंपल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये आभास हो रहा होगा कि अपने पिता की जो सीट है उसको बचाना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में कई नामों पे चर्चा चल रही थी, पारिवारिक में परिवार के ही कई लोग चल रही थी, लेकिन उसमें से आज अचानक से डिंपल यादव का नाम आता है और डिंपल यादव चुनाव लड़ेगी ये घोषणा कर दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी इटावा वाली है, डिंपल यादव का एक अलग है। डिंपल यादव 2 बार सांसद रह चुकी हैं और एक बार तरीके से बताओ 2014 में वो सांसद बनी थी और एक बार कन्नौज से चुनाव में सांसद बनी थी, उसके बाद चुनाव भी लड़ा और अखिलेश यादव ने खुद ये स्पष्ट कर दिया जो है लेकिन इसी कारणवश मुलायम सिंह यादव की यादव का नाम सामने करना और मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने का काम डिंपल के कंधों पर दिया जाएगा शायद। आप देखना ये होगा कि बीजेपी क्या अपर्णा यादव को, जो कि मुलायम सिंह यादव की ही बहू है, मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र के पत्नी है, वो उनको ये सीट देती है, उनको चुनाव में उतारती है, क्योंकि अभी तक कयास नहीं लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, उपचुनाव में अपर्णा लड़ सकती है। तो अब अगर दोनों बहुएं आमने सामने होंगी तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि लोग हैं वो किसको ज्यादा पकड़ते हैं, जो कि के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, 2 बार सांसद रह चुकी है, वो वहाँ जी पूरी रखी है। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे।